थिविम एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है नॉर्थ गोवा का। नॉर्थ गोवा का पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है कलंगट बीच, बागा बीच और कैंडोलियम बीच। जो लोग फर्स्ट टाइम गोवा विजिट कर रहे हैं और नॉर्थ गोवा के कैंडोलियम और बागा बीच विजिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो थिविम रेलवे स्टेशन पर ही उतरें, क्योंकि वहां से बागा बीच और कैंडोलियम बीच की दूरी बहुत कम है और आधे घंटे के सफ़र के बाद आसानी से पहुंचा जा सकता है। थिविम रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर ही है बस स्टॉपेज, जहां से बसेस चलती हैं मप्सा के लिए। थिविम रेलवे स्टेशन से मप्सा बस स्टैंड की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और बस का फेयर 30 रुपीज है। थिविम रेलवे स्टेशन से मप्सा बस स्टैंड पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। जो लोग टैक्सी करके जाना चाहते हैं कलंगट और बागा बीच, तो उनके लिए टैक्सी भी अवेलेबल होती है थिविम रेलवे स्टेशन के बाहर। और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करना चाहते हैं और आसानी से कम पैसे खर्च करके थिविम रेलवे स्टेशन से कलंगट और बागा बीच पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन है थिविम टू मप्सा। एक बड़ा टाउन है नॉर्थ गोवा का और मप्सा से ढेरों गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस चलती हैं कलंगट और बागा बीच के लिए। नॉर्थ गोवा के मप्सा टाउन से कलंगट बीच और बागा बीच लगभग 10 किलोमीटर है और बस का फेयर 30 रुपीज़ है। बस 15 मिनट में कलंगट बीच और बागा बीच पहुंचा देती है मप्सा से। यदि आप गोवा के गवर्नमेंट बस से ट्रैवल करेंगे कादम्बा से, तो उनका बस फेयर और भी कम है। ये बस फेयर मैं प्राइवेट बस ऑपरेटर का बता रहा हूँ। मडगांव रेलवे स्टेशन गोवा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये कलंगट बीच और बागा बीच से काफ़ी दूरी पर है, लगभग 60 किलोमीटर के आसपास। यदि वहाँ से बाई बस आते हैं तो लगभग मडगांव से कलंगट बीच पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है और थिविम रेलवे स्टेशन से उतर के यहाँ पर पहुँचने में लगभग 35 से 40 मिनट में आसानी से कम पैसे खर्च करके पहुँचा जा सकता है। कलंगट बस स्टॉपेज और बागा स्टॉपेज से बागा बीच और कलंगट बीच की दूरी लगभग 200 मीटर के आसपास है, जिसे बाई वॉक 10 मिनट में पूरा करके बीच तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके थिविम से कलंगट बीच आसानी से कम पैसे खर्च करके और कम टाइम में पहुंचा जा सकता है।